तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी मशीन अगर नीचे की सिलाई ख़राब देती है, नीचे की सिलाई दानेदार देती है, नीचे बहुत ढीला धागा देती है, नीचे गुच्छी गुच्छी सी बन जाती है, बहुत सी प्रॉब्लमें होती हैं नीचे सी अगर सिलाई ख़राब देने से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लमें हो जाती हैं। अब हम गिना तो नहीं सकते हैं नीचे की सिलाई, मतलब कुल मिलाकर नीचे की सिलाई अगर ख़राब मशीन दे रही है, नीचे कचरा दे रही है, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें। आपकी चाहे मशीन छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी मशीन हो, ये मैटर नहीं करता कि बस बड़ी मशीन पे ही कंडीशन लागू होगी, मतलब बड़ी मशीन ही हम ठीक कर रहे हैं तो बड़ी मशीन में ही ये कंडीशन लागू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मशीन अगर छोटी है, सिंपल सिलाई मशीन है या अम्ब्रेला मशीन है या झुग्गी मशीन है, जो भी मशीन है आपकी, जैसी भी है, चाहे मोटर वाली है, चाहे मतलब वो फाइबर वाली होती है, चाहे वो वाली हो, कोई भी मशीन हो, कंडीशन सेम होगी और सेम प्रॉब्लम सेम देगी। देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम देती है नीचे की सिलाई ख़राब आना, ये काफ़ी समस्या है। तो इसे हम कैसे ठीक करें, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके, यानी कि काट काट के ना देखें। अगर काट काट के देखना है तो भाई ना देखें वीडियो। हमारे पास ये अम्ब्रेला मशीन है, ये बत्ती से चलने वाली है मोटर वाली मशीन है, देख सकते हैं मोटर भी लगा हुआ है मेरी मशीन में पीछे। तो हम बताने वाले हैं आज इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर नीचे की सिलाई ख़राब आए आपकी मशीन कोई भी हो, अब ऐसा नहीं है कि आपने बड़ी मशीन का वीडियो देख लिया तो आपने छोड़ दिया कि ये मशीन मेरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कोई भी मशीन हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे आपकी बजाज की हो, चाहे उषा की हो, किसी कंपनी की हो, कोई दिक्कत नहीं। बस वीडियो को शांति मूड में अच्छे ढंग से थोड़ा देख लें तो आपकी प्रॉब्लम हर मशीन की सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको चला के दिखाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि इसकी प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। भाई यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ा ट्रैफिक पर ध्यान कम दें, बस हम जो बता रहे हैं बस उसी पर ध्यान आकर्षित रखें। तो ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके से हमारी मशीन ने सिलाई दी है, देख सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लम वाली सिलाई लग रही है। ऐसी समस्या आने पर आप लोग क्या करेंगे, कहीं सुई चेंज करेंगे, कुछ करेंगे, तो ध्यान रखें जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से समझें। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये देख लें कि मशीन में कौन सा धागा ज़्यादा ढीला आ रहा है। सबसे ध्यान से समझें, मशीन में कौन सा धागा सबसे ज़्यादा ढीला आ रहा है और कौन सा अपनी जगह पर सही चल रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें जो गुलाबी कलर का है धागा, ये ऊपर चढ़ा हुआ है, और ये वाइट कलर का धागा है ये नीचे लगा हुआ है, नीचे मशीन में लगा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो जो ऊपर वाला, जो नीचे वाला धागा है वो बिल्कुल बिल्कुल सीध में है, यानी कि बिल्कुल सीधा है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। और मतलब दिक्कत कौन सा धागा दे रहा है, दिक्कत दे रहा है गुलाबी वाला धागा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझें, इसका मतलब यही है कि गुलाबी वाला धागा है वो एक्स्ट्रा निकल रहा है मशीन से, एक्स्ट्रा यानी कि पास हो रहा है, तभी यहाँ पर ये कचरा दे रही है मशीन। तो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कौन सा धागा ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल रहा है और कौन सा अपनी जगह पर सही है। तो ध्यान से देखें तो सफ़ेद धागा बिल्कुल सही है जो कि नीचे है, नीचे वाला, और गुलाबी धागा एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, इस एक्स्ट्रा धागा को ध्यान रखें, जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे हमें कंट्रोल करना है। उसे कंट्रोल कहाँ से करेंगे, कंट्रोलर एक लगा हुआ होता है मशीन में, एक कंट्रोलर लगा हुआ होता है। वो कहाँ पे कंट्रोलर है, तो ध्यान से देखेंगे तो जब यहाँ से धागा चलता है हमारा, भाई हम कोशिश तो आपको पूरी कर रहे हैं समझाने की, अगर आप अच्छे से समझें तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप लोग स्किप करके काट काट के देखेंगे तो फिर भैया आपको समझाना बहुत ही मुश्किल बात है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर लगा हुआ है ये कंट्रोलर, ये कंट्रोलर क्या करता है, देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोलर है, इसे कंट्रोलर भी बोलते हैं, हम अपनी भाषा में कंट्रोलर बोलते हैं, वैसे इसे टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये कंट्रोलर कहीं ख़राब तो नहीं है। तो ध्यान रखें, इस कंट्रोलर को कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे सही तरीका यह है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से धागे को खींचना है। तो अगर बिल्कुल ढीला धागा चल रहा है तब तो ध्यान रखें, अगर ज़्यादा ढीला धागा चल रहा है तो ऑटोमेटिकली जब निकल रहा है धागा तो समझ लो कि आपकी मशीन धागा ढीला दे रही है, यानी कि ये कंट्रोलर हो गया है। ख़राब तो नहीं इसे बोल सकते हैं, हाँ लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं, इसमें
कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से ये मशीन धागा ढीला दे रही है। अब क्या प्रॉब्लम है चलिए वो भी देखते हैं। तो ध्यान से देखें, तो सबसे पहले इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले तो आपको इसी तरीके से ऐसे करके पत्तियों को उछका लें। पत्तियों को उछकाने के बाद दोनों पत्तियों के बीच में स्पेस करके और बीच में ये देख लें कहीं कोई धागा वगैरह तो नहीं फंसा है। क्या होता है कभी कोई धागा बीच में फंस जाता है, बीच में फंस जाता है धागा, इसकी वजह से हमारी मशीन धागा ढीला देने लगी। क्योंकि दोनों पत्तियों के बीच में जब धागा फंस जाएगा, ध्यान रखें किस तरीके से दोनों पत्तियों के बीच में धागा फंस जाएगा, तो जो ये वाला धागा है उसे मिल जाएगी जगह निकलने की, उसे जगह मिल जाएगी। जैसे कि इस तरीके से मान लो बीच में धागा फंसा है तो इसे जगह मिल जाती है, तो ये आराम से आसानी से निकलता रहेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, इस स्पेस को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले इस तरीके से निकालें, खोलें, इसके अंदर ये देख लें कोई धागा वगैरह तो नहीं फंसा है। इस तरीके से फूंक लें, फूंकने के बाद अब हमें क्या करना है, अभी भी अगर हमारी मशीन धागा ढीला ही मतलब ढीला ही निकाल रही, तो आपको क्या करना है, यहाँ से टाइट कर लेना है। इस तरीके से टाइट करना बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर नीचे की सिलाई ख़राब दे रही है तो इस तरीके से टाइट कर लेना। भाई देखो एकदम तो टाइट करना नहीं है, पता लगे एकदम ढंग से टाइट कर दिया, पता लगे फिर नीचे की जगह ऊपर की सिलाई ख़राब आने लगे, तो ध्यान रखें आपको नेक थोड़ा टाइट किया उसके बाद चेक करके देखें। तो ध्यान से देखें हमारी मशीन कैसी चल रही है, देख सकते हैं अभी अभी अंतर तो है लेकिन हल्के से दाने अभी भी दे रही है, तो थोड़े दाने दे रही है तो इसका मतलब है अभी हमारा कंट्रोलर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है हमारे धागे को। तो अभी हमें क्या करना है, तो इस तरीके से थोड़ा और हमें टाइट कर लेना है, बस 2-3 पैंच इतना कर लेना टाइट, ठीक है। तो अब दोबारा चलिए चेक करके देखते हैं, क्योंकि जब तक बिल्कुल तसल्ली ना मिले तब तक मज़ा नहीं आता है वीडियो बनाने में और वीडियो। तो देख सकते हैं, चलिए दोबारा फिर चेक करके दिखाते हैं। भाई अगर अभी तक लाइक नहीं किया भैया लाइक ज़रूर करते हैं, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से ये वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग लाइक ही नहीं करेंगे तो भाई फिर हमारा वीडियो बनाने में भी मन नहीं लगेगा। देख सकते हैं गाइस पहले की प्रॉब्लम, पहले देख सकते थे पहले कुछ सबसे पहले कुछ इस तरीके से थी और सेकेंड नंबर पर इस तरीके से यानी हल्के हल्के दाने आ रहे थे। अब थर्ड नंबर पर देखते हैं, तो थर्ड नंबर देखते हैं तो एकदम सुपर सिलाई है, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी हमारी जानकारी। भैया थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए थोड़ा बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो आप लोगों से गुजारिश है ऐसे ही बस सहयोग और शांति बनाए रखें और बस थोड़ा लाइक और ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों से गुजारिश है क्योंकि आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं भाई, आपकी हमें सपोर्ट चाहिए। बस जो भी माताएं बने भैया वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप जैसे और भी भाई लोग जिनकी प्रॉब्लम है तो उनकी भी सॉल्व हो जाएगी आपकी वजह से, थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।